बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी पकौड़ा। कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी हर घर में बनती है, लेकिन ये ज़रा यूनिक सा तरीका मैंने यूज़ किया है। मैंने सोचा आज कढ़ी बना रही हूँ तो आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ग्राइंडर जार के अंदर हाफ कप पानी ले लिया और इसके अंदर मैं डालूँगी कुछ मसाले। ये मैं आपको दिखाती हूँ। हरी मिर्चें ली हैं मैंने, 8 से 10 हरी मिर्चें ले ली हैं। हरी मिर्चें डाल देंगे इसमें, ये देखिए हरी मिर्चें डालेंगे, लहसुन डालेंगे और सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। लहसुन की कलियां मैंने ली हैं तकरीबन 7-8 कलियां ले ली हैं और सफ़ेद ये जो है साबुत धनिया के मैंने 2 चम्मच ली हैं। इनको ग्राइंड करके कढ़ी में जब हम इस्तेमाल करते हैं बेइंतहा अच्छी खुशबू देता है ये, इसको ज़रूर डालिएगा। और साबुत धनिया ही यूज़ कीजिएगा, साबुत धनिया से बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। एक दफ़ा इस तरह ट्राई कीजिएगा ज़रूर। चलिए इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी अब हम एक बाउल ले लेंगे, इसमें मैं बेसन डालूंगी। दही मैंने लिया तकरीबन 1 किलो के करीब मैंने दही ले लिया। दही को डाल के थोड़ा सा इसको फेंट लेंगे बीटर की मदद से, अच्छे तरीके से बाउल को साफ़ करेंगे हम ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। ये मैंने साफ़ कर लिया। मसाला मैंने जो वो दिखाया था आपको वो पीस के मैंने साइड रख लिया है अभी, तो हम इसको थोड़ा सा फेंटेंगे, तमाम लम्स वगैरह निकल जाएंगे। फिर इसके अंदर हम बेसन ऐड करेंगे। ये देखें अच्छे तरीके से इसको फेंट लिया करें। इस तरीके से कढ़ी बनाएंगे ना आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि सबके घरों में कढ़ी बनती है और हर एक का अलग अलग सा एक अंदाज होता है, अलग अलग सा तरीका होता है। तो आप मेरी रेसिपी ट्राई करके देखिएगा, अगर आपको अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जनाब। चले मैं इसको फेंट लूँ फिर मैं आगे दिखाती हूँ। जी बेसन मैंने ले लिया, ये 1.5 प्याली मैंने लिया, बड़ी प्याली है मेरी। अगर हम इसको कुल मिला के कहें तो तकरीबन 1/2 किलो बेसन है। मैं ज़रा ज़्यादा बना रही हूँ तो आप लोग अपने हिसाब से इसके मसाले को कम और ज़्यादा कर लीजिएगा, बेसन को छान कर यूज़ कीजिएगा। चलिए मैं बेसन छान लूँ फिर मैं आगे दिखाती हूँ। जी बेसन छन चुका है, इसको मैंने दही के अंदर ऐड कर लिया है और बीटर की मदद से इसको एक जान कर लिया है कि आप देख रहे हैं। ये देखिए मसाले मैं डालूंगी। हल्दी मैंने लिए 2 चम्मच, ज़्यादा हल्दी जाती है इसमें। नमक भी मैंने 2 चम्मच लिया। कलौंजी मैंने लिया तकरीबन छोटा वाला 1 चम्मच। चिली फ्लेक्स मैंने 1 चम्मच लिया और टाटरी मैंने लिए 1/4 टेबल स्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आपको ना पसंद हो खट्टा ज़्यादा तो आप ना डालिएगा, लेकिन मैं डालूंगी इसलिए कि इससे बहुत ज़बरदस्त कढ़ी बनती है और हमारे घर में थोड़ी सी खटास ज़्यादा पसंद की जाती है, इसलिए मैंने ये डाली है। अगर आपको ना पसंद हो तो ये इसी की मिकदार कम कर लीजिएगा या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं आप। अच्छे तरीके से मिला लेंगे। चलें इसके बाद फिर कुकिंग की तरफ चलते हैं। वेलकम बैक। एक मैंने ये बड़े साइज़ का देगचा रख लिया है और इसके अंदर अब मैं सब कुछ डालूँगी, आपको दिखाती हूँ मैं। तो बड़े साइज़ का ही लिया करें थोड़ा बर्तन, ताकि जब कढ़ी हमारी बॉइल्ड होकर थोड़ी सी ऊपर आती है ना तो फिर इसको इशू नहीं होता गिरने का। अगर हम पूरा बर्तन लेंगे तो ये गिर जाता है। ऑयल मैंने डाल दिया इसमें, बहुत ही कम पहले डालना है, बाद में हम बघार में ऑयल ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो आप तकरीबन 1 चम्मच ले लीजिएगा, बस ज़्यादा नहीं लेना। ऑयल मैंने थोड़ा ही डाला है इसके अंदर। ये देखिए अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा मसाला डालूंगी बघार के लिए। जो शुरू में बघार लगाएंगे ना, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू पूरी कढ़ी में बस जाएगी। जब आप कढ़ी बनेगी तो पूरे घर में इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। चीज़ें मेरे पास है, थोड़ी सी मैंने गोल वाली मिर्चें ले ली हैं, कड़ी पत्ता ले लिया और सफ़ेद ज़ीरा ले लिया। सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे पहले हम, इसको तकरीबन 30 सेकंड तक हम इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा जब ये चटकने लगेगा ना फिर इसके बाद हमें बाकी चीज़ें डालेंगे, पहले सफ़ेद ज़ीरे डालेंगे हम। अच्छे से चला कर इसको करेंगे। जी ज़ीरा मेरा क्रैक्स हो चुका है, इसके अंदर अब मैंने डाल लिया कड़ी पत्ता और गोल वाली मिर्च। इसको भी हम तकरीबन 30 सेकंड तक ही फ्राई करेंगे अच्छी बेहतरीन से खुशबू आने पर, फिर हम आगे आपको दिखाते हैं। जी अब हम इसमें वो दही और कढ़ी का जो हमने सारा मिक्सर बना के रखा था उसको डाल देंगे, हल्का हल्का हिलाकर। हिलाते हुए इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। ये मैंने वो वाला मसाला डाल दिया जो पीस के रखा था, साबुत धनिया था इसके अंदर, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। साबुत धनिया था, हरी मिर्चें थी मेरी और लहसुन के जवे थे 7-8, उनको हमने ग्राइंड कर लिया था थोड़ा सा पानी डालकर। अब जब ये इसके साथ देखें पानी मैंने वो कड़ी भी डाल दिया, अब सारी थोड़ा सा पानी डाल के हम डोंगे को हिला लेंगे और अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे बाउल को, ताकि हमारे यहाँ रिस्क जो है वो ज़ाया ना हो। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ, इसके बाद हम पानी डालेंगे इसके अंदर तकरीबन। मैं आपको साथ ही दिखाऊँगी पानी कितना डलेगा।
ये पानी इसमें ऐड कर लेंगे। पानी तकरीबन तीन गुना मैं ज़्यादा डालूंगी इसके अंदर पानी, मैं 3 लीटर पानी डालूंगी। ये जो 6 गिलास होते हैं एक बोतल में, इसका सही अंदाज़ा है इसीलिए मैं बोतल दिखा रही हूँ डालते टाइम। तो 6 गिलास होते हैं, तो इसके अंदर हम डाल देंगे तकरीबन, इसमें हमने पानी डाल दिया है, लगता है कि ढाई से इसकी बड़ी बड़ी डाल दी है। इसके बाद हमने इसको मजीद पकाना है, कुक करना है, तो हम इसमें पानी और भी ऐड कर डाला है मैंने पानी, ये तो इतनी कोई ताकि एक अंदाजा हमारा कायम रहे कड़ी का जायका फर्क खराब होगा। पकाएंगे हम कम से कम 2 घंटे मैंने यहाँ पर डाल दिया कड़ी का जो है। अगर मुझे महसूस होगा बीच में और डालना है तो मैं आधा घंटा या 10-15 मिनट बीच में लेंगे पानी, चाचू उबाले दिला के उतार लेंगे तो ये बिल्कुल जायका से 2 घंटा इसको कम से कम दिन लगेगा। अपनी कड़ी बनाई उसका कलर वगैरह सब के मैं 2 बोतल डाल चुकी हूँ, आधी बोतल मैं और डालूंगी। इसके बाद मैं इसको ढक के पकाऊंगी तकरीबन 2 से 2.5 घंटे, 2.25 घंटे इस तरह तकरीबन चेक कर लूंगी, और जब तैयार होती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पानी कंप्लीट हो चुका है, अब आप इसको ना एक उबाल आने तक यानी कि एक बॉइलिंग पॉइंट आने तक इसको हम तेज आंच करके और मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाएंगे, उसके बाद ढक देंगे। ये देखिए मैंने ढक दिया, अब इसको 2 घंटे तक मैं इसी तरह पकाऊंगी धीमी आंच में, फिर आपको दिखाती हूँ। तो जब तक कढ़ी तैयार हो रही है हम इधर पकौड़ों का काम कर लेते हैं। पकौड़े के लिए मैंने बेसन ले लिया है, 1.5 प्याली मैंने बेसन लिया है, उसको मैंने छान लिया था। हरी मिर्चें मैंने डाली हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल लीजिएगा। हरा धनिया डालेंगे इसमें और पुदीना डालेंगे। धनिया पुदीने को ना रखने की टिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आपका धनिया पुदीना ये मौसम बरसात का होता है ना इसके अंदर सड़ जाता है, फ्रिज में रखें हम तो वो थोड़ा सा गल सड़ जाता है। और इसकी एक छोटी सी टिप है कि अगर आपके पास न्यूज़पेपर हो तो आप न्यूज़पेपर में, वरना आप सादा कोई सा भी कागज़ लें, धनिया को कटिंग करें, वॉश करें और उसको ड्राई कर लें, और खुश्क करने के बाद उसको आप अपने पेपर के अंदर जिस तरह मैंने फोल्ड करके रखा है इस तरह रखें, आपका धनिया पुदीना ख़राब नहीं होगा, ना ही उसमें कोई गला सड़ा पत्ता निकलेगा इंशाल्लाह। ये छोटी सी टिप है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो धनिया पुदीना मैंने ऐड कर दिया है इस पॉइंट पे। जनाब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दिया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करें। नमक मैंने डाल दिया इसमें 1 चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। चिली फ्लेक्स भी मैंने 1 चम्मच डाला है, लेकिन मैं इसको चखूंगी क्योंकि मेरे थोड़ा सा बनाने के बाद जब बैटर तैयार हो जाता है तो इसको मैं चख लेती हूँ। चखने के बाद ही मैं पकौड़ा तैयार करती हूँ। चलें मैं आपको आगे दिखाती हूँ फिर जी। थोड़ा इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी मैं सही तरीके से, इसमें ज़्यादा मैं मसाला नहीं डाल रही, ठीक है, क्योंकि कढ़ी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मसाले मौजूद हैं, तो इसमें इतने ज़्यादा कढ़ी के पकौड़े जो होते हैं ना इतने ज़्यादा मसाले वाले नहीं बनाए जाते। हाँ, इसकी जगह अगर हम रूखे खाने वाले पकौड़े बनाएंगे जैसे तो उसमें हम काफ़ी डालेंगे। अच्छा, सोडा डाल रही हूँ मैं 1/4 टेबल स्पून छोटा वाला, इससे जो पकौड़े हैं ना कढ़ी के बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और राउंड शेप में बन के आएंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छे बनते हैं। इसको भी मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, पानी ले लिया मैंने, इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोलेंगे। एक साथ पानी ना डालिएगा कभी भी, एज ए रिक्वायर्ड इसमें पानी डालता है, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे, इसको बीट करते जाएंगे। किसी भी चम्मच की मदद से कर लें, बीटर की मदद से कर लें, या हाथ की मदद से कर लें, मुख्तलिफ लेडीज़ मुख्तलिफ तरीके से बनाती हैं। चलें, बैटर मेरा तैयार हो चुका है, इसको मैं 15 से 30 मिनट के लिए रख दूँगी, उसके बाद पकौड़े तैयार करूँगी। जी वेलकम बैक, पकौड़े मैंने तकरीबन सारे तैयार कर लिए, बस एक राउंड, ये देखें मैंने तमाम तैयार कर लिए पकौड़े, कितने अच्छे और प्यारे से मेरे पकौड़े तैयार हुए हैं। अब खाली एक राउंड रह गया, ये मैंने रखा था कि चले मैं इसको आपको दिखा दूंगी। तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें, मीडियम आंच के ऊपर पकाइएगा, बिल्कुल भी तेज़ आंच ना रखिएगा, बिल्कुल नॉर्मल सी आंच है। और इस तरह से हाथ में लेंगे इसको बैटर को, और बिल्कुल धीरे से इसके अंदर छोड़ देंगे कढ़ाई में, ये खुद ब खुद ही फूल के ऊपर आ जाएगा। कढ़ी में जो है ना राउंड राउंड छोटे छोटे पकौड़े अच्छे लगते हैं, कई लोग इसको बड़े भी डालते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे इस तरह के पसंद है, गुड लुकिंग लगती है इससे कढ़ी। चले मैं ये राउंड भी कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और पकौड़ों के लिए जो मैंने आपको टिप बताई थी पहले भी और दोबारा बता रही हूँ, हमेशा ये सरसों का तेल और लोहे की कढ़ाई यूज़ किया करें, इससे जो है ये जो जिस्त की कढ़ाई होती है जैसे बाजार वाले यूज़ करते हैं ना, तो नॉनस्टिक में पकौड़ा जो है ना इतना अच्छा नहीं बनता, आँच इसकी डिसबैलेंस होती है, कभी कम ज़्यादा करनी पड़ती है, तो नॉनस्टिक को हमने बहुत मखसूस तरीके से यूज़ करना होता है, इसलिए इसके अंदर आप अपनी मनचाही आँच कर सकते हैं और अच्छा बनता है, इसका अपना एक बस फ्लेवर होता है। चलें ये मैं तैयार कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। पकौड़े मैं कढ़ी में डाल चुकी थी और उसको मैं 15 मिनट के लिए पकाऊंगी, मज़ीद पकौड़ों के साथ ऐड होकर अच्छे से जायका आता है। अब ये मैंने मज़ेदार सा बघार बनाना है, जिसके लिए मैंने प्याज ले लिया कट करके, एक नॉर्मल साइज़ का है, लहसुन की मैंने 4-6 कलियाँ ले ली हैं, और 1 चम्मच जीरा और कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता अगर आपके शहर में ना हो, हर शहर में अवेलेबल नहीं होता ये, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं,
लेकिन जिनके शहरों में कड़ी पत्ता मौजूद है वो इसको डालें, कड़ी की जान होता है ये। चलें ये मैं 2 मिनट के लिए इसको प्याज को फ्राई करूंगी, इसके बाद फिर बाकी सामान डालूंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये प्याज मेरे थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं, इस पॉइंट पे हम डालेंगे ये तमाम चीज़ें, बाकी लहसुन जीरा और कड़ी पत्ता अभी भी नहीं डालेंगे, कड़ी पत्ता इसके भी 2 मिनट बाद डालेंगे क्योंकि वो बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है। तो ये एक दो मेरे से डल गए हैं इसमें गलती से, लेकिन मैं अभी आगे डालूंगी। इसको इसी तरह डालिएगा वरना प्याज जो होती है वो टाइम ज़्यादा लेती है और बाकी तमाम चीज़ें जल जाती हैं जबकि प्याज अपना कलर लेकर नहीं आती। बेहतरीन सा बेस्ट सा बघार ये तैयार होगा, इससे कड़ी बहुत ज़बरदस्त खुशबू देगी। देखें जब ये सुनहरी सुनहरी होने लगेगा अब हम कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता डालते के साथ ही थोड़ा सा पीछे हो जाया करें क्योंकि ये एकदम से उछलता है और छींट उड़ाता है। बेहतरीन सा बघार तैयार है, चलें अब इसको ऐड करते हैं। हरा धनिया और पुदीना मैं डाल चुकी हूँ इसमें और गरम मसाला डाल दिया मैंने 1/2 चम्मच। ये देखें इस तरह से इस पॉइंट पे पतली थोड़ी सी हम रखेंगे क्योंकि जब ये पकोड़े इसको पियेंगे तब भी ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और रखे रखे भी कड़ी जो है वो थोड़ी गाढ़ी ही हो जाती है, फिर बहुत ज़्यादा ठीक हो जाता है। देखें गरम मसाला पाउडर मैंने डाल दिया 1 चम्मच डाल देंगे। गरम मसाले से भी इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, जब गरम मसाला डाल के आप ऊपर से बघार डालेंगे ना क्या कहने, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी जनाब। चलें ये बघार मेरा तैयार है, कितना खूबसूरत और गोल्डन कलर आया हर चीज़ का। चलें बघार मैंने डाल दिया, ये देखें माशाल्लाह से सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ कर लिया करें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करें, दुआओं में याद रखा करें अपनी। ये देखें बघार मैंने सारा डाल दिया, कड़ी बहुत बेहतरीन तैयार होगी। इस तरीके से एक दफ़ा ट्राई करके ज़रूर देखिएगा जी, बेहतरीन से खुशबूदार कड़ी तैयार है, पूरा घर मेरा महक रहा है माशाल्लाह से। चलें इसके साथ ही शाइस्ता इजाज़ को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।